पुलिस प्रशासन के ऊपर भादा गांव निवासियों ने हो रहे शिव मंदिर निर्माण कार्य पर रोक लगाए जाने का लगाया आरोप। बता दें कि सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भादा गांव में हो रहे निर्माण शिव मंदिर निर्माण कार्य के ऊपर रोक लगाए जाने का स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन मंदिर निर्माण कार्य में बाधा बन रही है। कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि मंदिर का निर्माण हो, जहां पुलिस उनका साथ दे रही है। बोलिए क्या हुआ है? ये ईटा जो है था, ये लोग दान किए हम लोग को, ऐसा नहीं है। आप हमसे पूछिए गिट्टी कहाँ से है, तो हम कैसे बता सकते हैं। आप भी आए, उसमें दान पत्र में दान कर दिए, तो हम थोड़ी जानते हैं कि आपका नाम क्या है, किसका पैसा है। पुलिस क्या पूछ रहे थे कि किसका है? पुलिस पूछ रहे थे किसका है। मनोज जो है ना, बोल रहा है कि हम लोग उसमें खेत में गिराए हैं। क्या हुआ है? यहाँ पे प्रशासन मंदिर का काम रोकने के लिए आए थे। कुछ असामाजिक तत्व के लोग है कि जो बोल रहा है कि गिट्टी बालू कहाँ कहाँ से है, वो लोग उसका हिसाब ले रहा है। ये असामाजिक तत्व जो लोग है ना, वो नहीं चाह रहा है कि भगवान का मंदिर हो, निर्माण हो। मैंने ऐसे तरह कुछ लोग पड़े हुए हैं, तो प्रशासन भी उसका सपोर्ट कर रही है। प्रशासन अभी आई थी और मंदिर का काम रोक रही है, ईटा देख रही है, बालू देख रही है, गिट्टी देख रही है। क्या प्रशासन का काम है तो नहीं है? पुलिस क्या धमकी दे रही थी? पुलिस धमकी दे रही है, पूरे गाँव वाले पर केस करेंगे। तो हम लोग गाँव वाले उसके लिए तैयार है लड़ने के लिए, लेकिन मंदिर बना कर रहे हैं। हम लोग मंदिर बना कर रहेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। आज से नहीं, आज से मंदिर है। हिंदू आस्थे की बात है। गाँव है ये फादापुर वार्ड नंबर 1 की बात है। अपना नाम बता। मेरा नाम शैलेश गिरी हुआ।